मुखर्जी जुड़ रहे हैं बाजार की बातचीत आगे लेके जाने के लिए। सौरभ, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत ही एजुकेटिव होती है आपकी बातचीत, एक समय पे आ रही है, इतना कुछ है आपसे बात करने के लिए, हमें जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा सौरभ इस समय बात हो रही है इंटरेस्ट रेट्स। एक साल हमने देखा ज़बरदस्त इंटरेस्ट रेट बढ़े, भारतीय इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं आया, मार्केट भी नहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया, लेकिन आगे आने वाले साल में, नए साल में बात ये चल रही है मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर शायद इंटरेस्ट रेट कटना शुरू हो जाएंगे, स्टार्ट यूएस से होंगे, उसके बाद हम फॉलो करेंगे। क्या आपको लगता है नए साल में ये होगा, और ऐसा होता है तो उसका इक्विटीज के ऊपर क्या कैसा इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, मेरे को बहुत आश्चर्य होगी अगर अगले साल 2024 में यूएसए में, यूरोप में और इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स की कटौती हमको नहीं दिखी। मेरे ख्याल से इनएविटेबल होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, आप तीन चीजों पर गौर कीजिए। पहला है इन्फ्लेशन वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, विदेश के यूएसए यूरोप में देखिए, इन्फ्लेशन जो 9% था डेढ़ साल पहले, 9% से भी 3% तक पहुंच गया है। सो इन्फ्लेशन का जो पूरा खौफ था वो काफी हद तक घट गया है। दूसरा चीज देखिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, घमासान युद्ध चलने के बावजूद तेल का भाव हर महीने नीचे जा रहा है। तो 3-4 महीने पहले $90 पे था क्रूड, आज $70 पे है। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज यूएसए रिसेशन की तरफ जा रहा है, यूरोप रिसेशन की तरफ जा रहा है, और चाइना की इकोनॉमी में दिक्कतें हैं। सो डिफ्लेशनरी प्रेशर दुनिया भर में बरकरार है, तेल का भाव इसको मेजर करता है। और तीसरी चीज देखने वाली है तो यूएस में इलेक्शन आ रही है अगले साल, अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े में अपवर्ड प्रेशर है, इकोनॉमी में दबाव है। यूएस के बड़े बड़े आईटी कंपनीज जैसे एक्सेंचर यस्टरडे बोला कि कोई खर्चा नहीं कर रहा, कोई कॉर्पोरेट, सब सहमे हुए से हैं। सो ऐसे माहौल में इंटरेस्ट रेट्स का गिरना मेरे ख्याल से हाईली लाइकली है। तो 2022 जनवरी से लेके अब तक करीबन 5.5% यूएस का रेट बढ़ा है। मेरे ख्याल से वो साइकिल अब नीचे की तरफ जाएगा 2024 से। उसको हमारे देश को फायदा होगा, विदेशी निवेशक ने वापस आना शुरू कर दिया है, और मेरे ख्याल से 2024 में करीबन $30 से $40 बिलियन की विदेशी निवेशक की मुद्रा इंडिया आएगी। ये बहुत काम की बात बोली, 30 से 40 बिलियन डॉलर की FII बाइंग अगले साल उम्मीद है आपको होने की। उसके कुछ संकेत हमें ऑलरेडी दिखने लगे हैं, 5-5, 7-7 हज़ार एक साथ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक और बड़ा पिविट हुआ, एक तो इंटरेस्ट रेट्स वाला इशू था ही, इस साल के एंड में एक नई चीज़ हुई, वो ये कि 2024 के इलेक्शन की ऑलमोस्ट लोगों को कम्फर्ट आने लगा है, जिस तरह से स्टेट इलेक्शन स्विंग किए बीजेपी ने, 3 स्टेट इलेक्शन अपने फेवर में, लोगों को कंफर्ट आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई 2024 के मेन चुनाव में। और यूजुअली तो चुनावों का कम इम्पैक्ट होता है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, लेकिन इस गवर्नमेंट से लोगों को उम्मीद ये है कि शायद रिफॉर्म मोमेंटम चालू जारी रहेगा। बाजार का और इस बार के नेशनल इलेक्शन का आप रोल कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो हाल ही में असेंबली इलेक्शंस हुए उससे 2024 के नतीजे का विजिबिलिटी मिला है। मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर के कैपेक्स साइकिल पर। अगर ये थोड़ा गौर किया जाए प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स पे, FY19 में जितना कैपेक्स किया था प्राइवेट सेक्टर ने, आज भी मोटा मोटी उतना ही चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर ने कैपेक्स की बढ़ोतरी नहीं की है लास्ट 4 साल में। सारा जो कैपेक्स का उछाल रहा है वो सरकार का रहा है। गवर्नमेंट कैपेक्स करीबन ट्रिपल हो चुका है लास्ट 4 साल में। राइट, जाहिर है गवर्नमेंट कैपेक्स ऐसे इस पैमाने पर बढ़ नहीं सकता, तो देयरफॉर प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स का मेरे ख्याल से अगले 1-2 साल में आना बहुत ही नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, मेरे ख्याल से लाइकली भी है। इंटरेस्ट रेट्स नीचे की तरफ जाएंगे, कॉर्पोरेट इंडिया के बैलेंस शीट्स की हालत अच्छी है, बैंक्स के पास भरपूर कैपिटल है बांटने के लिए, और पॉलिटिकल क्लैरिटी मिल रही है। ये मेरे ख्याल से सबसे अहम मुद्दा रहेगा इकोनॉमी के लिए अगले 1-2 साल में, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स का रिटर्न, और उसके मुताबिक हम निवेश कर रहे हैं ऐसे स्टॉक्स में जो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स का फायदा उठा सके। ओके, बिल्कुल सौरभ, मॉर्निंग। साथ ही जैसे जिन सेक्टर्स, चाहे आप पावर सेक्टर की बात करें, कई सारे PSU स्पेस के स्टॉक्स की बात करें, डिफेंस में बड़ी रैली इस साल, और ये बड़े वेल्थ क्रिएटर्स रहे हैं स्पेसेस, अगले साल भी किन सेक्टर्स पर आपको लगता है नजर रखनी चाहिए? तो देखिए, जैसे आपने ठीक बोला, गवर्नमेंट कैपेक्स रिलेटेड प्लेस ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है, बिकॉज गवर्नमेंट कैपेक्स इटसेल्फ ट्रिपल हुआ है करीबन लास्ट 4 साल में। आगे जाते हुए हमारे 3 बड़े थीम रहेंगे प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ग्राइनवेल्ड नॉर्टन जैसे कंपनी में निवेश किया है, RHI सीटा में निवेश किया है, टेगा में निवेश किया है, और 2-3 और पोजिशन हम बना रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स का फायदा उठा सके अगले 2 साल में।
दूसरा चाइना प्लस वन का थीम, चाइना चाइनीज इकोनॉमी में जो की दिक्कतें हैं और चाइना और वेस्ट के बीच में जो संघर्ष है उसका फायदा उठाते हुए हम इंडिया में स्पेशलिटी केमिकल्स और एपीआई मैन्युफैक्चरर्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में दवा के निवेश कर रहे हैं। ये सारा साल हमने किया है। कुछ हद तक हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो की पिटाई उसी वजह से हुई है, बिकॉज चाइना के डंपिंग से हमारे स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स पे दबाव आया है। बट हमको लगता है अगले 2 साल का ये बड़ा थीम रहेगा, इसलिए हम बरकरार रहेंगे इस थीम में पैसा लगाते हुए। और तीसरा थीम आई वुड से इज द राइज ऑफ इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन के पास अभी जॉब क्रिएशन का पूरा मार्केट इंडियन वुमेन के पक्ष में है। यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से मोर गर्ल्स आर इमर्जिंग एजुकेटेड देन बॉयज, और इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट बन गई है। वुमेन के बैंक अकाउंट्स में, लेडीज के बैंक अकाउंट्स में मोर पैसा है देन मेन के, एंड इसलिए वुमेन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि टाइटन, जैसे कि नेस्ले, जैसे कि रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स, इस प्रकार के निवेश हमने किया है। आगे जाते हुए भी आप देखोगे मार्सेलस के पोर्टफोलियो में मोर स्टॉक्स जहाँ पे ग्राहक जो कस्टमर रहेगा वो इंडियन वुमेन रहेगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक बार मुझे याद है कुछ साल पहले आपने बहुत अच्छा कोरिलेशन ड्रॉ किया था इकोनॉमिक ग्रोथ और मार्केट में अर्निंग्स और कॉर्पोरेट ग्रोथ का भी। एक और खास बात ये हुई इस बार के आरबीआई पॉलिसी में, सौरभ आपने भी शायद ध्यान दिया होगा, पहले 2-3 महीने से अलग अलग प्राइवेट एजेंसीज इंडिया की ग्रोथ को अपग्रेड कर रही थी, वो एक बात है, IMF कुछ कहता है, S&P कुछ कहता है, रेटिंग एजेंसीज, लेकिन इस बार आरबीआई गवर्नर साहब ने खुद आगे की 1 ईयर ग्रोथ को अपग्रेड करके कंजर्वेटिवली 7% पर रखा है। हमें पता है कि आरबीआई गवर्नर साहब काफ़ी कंजर्वेटिव है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी सुपीरियर रहती है तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ कैसी मजबूत दिखाई देती है आपको, क्योंकि उस पर भी लोग संदेह करने लगे कि ऑलरेडी रिबाउंड कर गई है बेस से, अब बेस बड़ा हो गया है, शायद ग्रोथ मॉडरेट करेगी। नहीं, आपकी ये राय बिल्कुल सटीक है। शक्तिदास जी बहुत ही सुलझे हुए समझदार इंसान है। तो देखिए, एक सिंपल सा कोरिलेशन है जिसका फायदा हम सब उठा सकते हैं। जब तेल का भाव नीचे जाता है और US में ब्याज दर नीचे जाते हैं, तेल का भाव नीचे और US में इंटरेस्ट रेट्स नीचे, तब इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की साइकिल शुरू होती है, तब इंडिया की स्टॉक मार्केट की उछाल की साइकिल शुरू होती है। मेरे ख्याल से दोनों चीजें हो रही है। तेल का भाव नीचे जा रहा है, US इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाने की संभावना हाई है, इसलिए अगले 2-3 साल मार्केट और इकोनॉमी के लिए बढ़िया रहेगा। जैसे आपने बोला, इंडिया की GDP ग्रोथ करीबन 7% के आसपास रहेगी, और रियल GDP है, नॉमिनल GDP इन्फ्लेशन को जोड़ते हुए करीबन 12 के आसपास ले लीजिए, और अच्छे कॉर्पोरेट्स की अर्निंग 15 से 20% मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल हम देखेंगे। इससे स्टॉक मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, और जैसे मैं बोल रहा था, विदेशी निवेशक इस 15-20% EPS ग्रोथ से आकर्षित होते हुए इंडिया की तरफ विदेशी मुद्रा को घुमाएगा। $3.5 ट्रिलियन का निवेश है विदेशी निवेशकों का चाइनीज मार्केट में। चाइनीज मार्केट ने 4% डॉलर रिटर्न दिया है लास्ट 10 साल में। इंडिया में विदेशियों का निवेश केवल $0.6 ट्रिलियन है, 1/5 जो चाइना का निवेश। इंडिया ने 14% रिटर्न दिया है विदेशियों को लास्ट 10 साल में। इसलिए मेरे ख्याल से भारी भारी पैमाने पे अगले 2-3 साल फॉरेन इन्वेस्टर्स विल कम इन, एंड लार्ज कंपनीज, अच्छे कंपनीज 15-20% EPS कंपाउंडिंग दिखाते रहेंगे। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग और इनफैक्ट वेरी हाई कन्विक्शन आप जो बता रहे हैं। और ये बड़ा पैसा अगर इंडियन मार्केट्स में आना है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, और ऑफकोर्स अर्निंग्स जो है वो सरप्राइज कर रही है, लेकिन इस वक्त निफ्टी के कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आपको काफी रिजनेबली प्राइस दिखते हैं, जहां पर आप तो लगता है कि ये बड़ा पैसा आ सकता है? तो ये 3 सेक्टर्स में हाईलाइट करता हूँ जहाँ पे हमारा भारी निवेश है। ये सारे स्टॉक्स में, इनका मैंने जिक्र किया है, मेरा खुद का थ्रू मार्सेलस, मेरे पेरेंट्स का थ्रू मार्सेलस, और हमारे 9,000 डोमेस्टिक क्लाइंट्स और विदेशी क्लाइंट्स का निवेश है। पहला है प्राइवेट बैंक्स, राइट, अच्छी अर्निंग्स कंपाउंडिंग है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, 20 ईयर लोज है इनफैक्ट वैल्यूएशन पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, HDFC बैंक, कोटक बैंक। दूसरा है IT सर्विसेज, हमारा TCS का निवेश है, इंजीनियरिंग R&D में हमारा L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और टाटा एलेक्सी में निवेश है। अगेन हाई क्लास कंपनीज, ऑर्डर बुक दमदार, ऑर्डर बुक्स सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्डर बुक्स इन IT इज विद TCS। इसका एग्जीक्यूशन मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल में होगा, तो विदेशी निवेशक इसकी तरफ भी आएंगे। और तीसरा थीम जहाँ पे ज्यादा ज्यादा कुछ खास रैली अब तक दिखी नहीं है, इस स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मा, API, राइट। ये थीम सुलझा हुआ था, सॉरी, ये थीम सहमा हुआ था चाइना के प्रहार की वजह से। जैसे जैसे चाइना का प्रहार घटता है, स्पेशलिटी केमिकल्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडियंट्स, दिस होल इंडस्ट्री विल आई थिंक डू रियली रियली वेल फॉर सेवरल इयर्स। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा सौरभ, मैं देख रहा हूं कि पहले तो आपने अपनी फर्म बहुत ही सक्सेसफुली 3-4-5 साल में स्केल की है, कंग्रेचुलेशन ऑन दैट।
बट अब आपको डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी साथ मिलना शुरू हो गया है, इंक्वायरीज हो गई हैं, आपकी कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं, ज़रा कुछ बातचीत बताएं, क्या आप कुछ ऐसे लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं, आपको इंक्वायरीज आ रही हैं जिन्होंने अभी तक इंडिया को सीरियसली नहीं लिया था, फर्स्ट टाइम इंडिया इन्वेस्टर्स FIIs, क्योंकि उन्हें हम लोग अक्सर एक रंग से रंग देते हैं, सारे FIIs अलग 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 होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, तो आपकी कैसी इंक्वायरी चल रही है FII साइड से? देखिए, जब हमारी कंपनी छोटी सी है, जाहिर है हमारा भी FIIs के साथ इंटरेक्शन हाल ही में शुरू हुआ है। जहां तक मेरे को नजर आ रहा है, जो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ब्रॉडर एशिया से, मतलब मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, जापान से बड़े बड़े पैमाने पर पैसा इंडिया पहली बार आ रहा है, तो ये वाला इंटरेक्शन मेरे प्रीवियस ब्रोकरेज करियर में मैंने खास नहीं किया था। एक्चुअली साउथ ईस्ट एशियन मनी, मिडिल ईस्टर्न मनी, जापानीज मनी मेरे प्रीवियस ब्रोकरेज करियर में ज्यादा मैंने देखा नहीं था, वो पहली बार मेरे को अपने करियर में देखने को मिल रहा है। और दूसरा, जो बड़े बड़े दुनिया के वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बड़े पेंशन फंड्स हैं, वो भी इतने बड़े स्केल पे इंडिया में पहले कभी पैसे लगाए नहीं है, तो मेरे ख्याल से उनका भी इंडिया आना, यूरोप, अमेरिका, कनाडा के पेंशन फंड्स का भारी पैमाने पर इंडिया में आने की संभावनाएं बढ़ रही है। तो ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पास विशाल मुद्रा है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी बातें चल रही है, उम्मीद है कि ये लोग इंडिया आएंगे बड़ा निवेश करने, कुछ हद तक हमको मिलेगा, कुछ हद तक ये पैसा दूसरे इंडियन फंड मैनेजर्स को भी मिलेगा। राइट, लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडियन मार्केट्स में बड़े फ्लोज आने की उम्मीद है और रीज़न कई सारे आप बता भी रहे हैं। सौरभ, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। आपने कई सारे सेक्टर्स की भी बात की और कुछ स्पेशल सब सेक्टर्स की भी बात की जहां पर आपका भी इंटरेस्ट दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और हमसे ये बात करने के लिए।